हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। नवोज्वल फाउंडेशन द्वारा मनाया गया सेवा दिवस, आइए जानते हैं नवोज्वल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष से कि उनका क्या कहना है। मेरा नाम विष्णु कुमार शर्मा है, मैं नवोज्वल फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ। आज हमारी संस्था के जो संरक्षक हैं श्री अमित मोहन अग्रवाल सर्राफ, उनकी पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती मीरा अग्रवाल जी के 61वें जन्मदिवस पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। भजन संध्या का कार्यक्रम है और आज ही सेवा दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। इसमें 11 विकलांगजनों को, वृद्ध माताओं को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल दी जा रही हैं और जो विधवा महिलाएँ हैं उनको सिलाई मशीन, ताकि स्वरोजगार वो कर सकें, और जो गरीब छात्राएं हैं और कॉलेज जाती हैं जिनको पैदल जाना पड़ता है या रिक्शे से लटक के जाना पड़ता है, ऐसी गरीब छात्राओं को 10 साइकिल, ऐसे करके ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सेवा दिवस के रूप में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये नेशनल भवन, नेशनल चैम्बर भवन है मसानी लिंक रोड पर मथुरा में। सर्वाधिक नवोज्वल फाउंडेशन के कार्यक्रम इसी भवन में होते हैं और करीब करीब 200 250 300 संख्या यहाँ पर मौजूद है। गणमान्य लोग हैं, डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी विश्वविख्यात कथावाचक हैं, पूर्ण प्रकाश जी महाराज वो भी कथावाचक हैं, पूज्य नित्य चैतन्य जी महाराज वो भी कथावाचक हैं, ऐसे तमाम डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, तमाम गणमान्य और समाज सेवी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं इस सेवा दिवस के कार्यक्रम में। मथुरा, आज मसानी लिंक रोड स्थित नेशनल चैम्बर ट्रस्ट में नवोज्वल फाउंडेशन द्वारा आयोजित सेवा दिवस मनाया गया। यह सेवा दिवस अमित अग्रवाल सर्राफ, पूजनीय स्वर्गीय श्रीमती मीरा अग्रवाल के 71वें अवतरण दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। स्वर्गीय श्रीमती मीरा अग्रवाल ने कोरोना महामारी के चलते उन्होंने बहुत ही सेवा के कार्य किए हैं एवं कोरोना में सेवा करते समय कोरोना से संक्रमित होकर उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे अमित अग्रवाल सर्राफ का कहना है कि जिस तरह से उनकी मां कोरोना में सेवा करते करते गुजर गई, उसी तरह उन्हीं को याद करते हुए आज कुछ गरीब बच्चियों को साइकिल प्रदान की एवं गरीब, विकलांग एवं असहारा व्यक्तियों को व्हीलचेयर प्रदान की गई। वहां पर उपस्थित सभी समाज सेवियों और ऊँची हस्तियों को सम्मानित भी किया गया। इसके उपरांत भजन संध्या भी हुई, सभी ने जमकर के ठुमके लगाए और सभी ने बहुत ही नाच गाना किया। राधा कृष्ण के स्वरूप सजाकर राधा कृष्ण ने नृत्य भी किया एवं सभी के साथ फूलों की होली भी खेली गई। जी, मेरा नाम अमित अग्रवाल है जी। आज मेरी माताजी की 61वीं जयंती है, जो कि कोरोना काल में सेवा करते करते कोरोना से ही स्वर्गवासी हो गई और वो सेवा कार्य करती थी। आज हमने सोचा कि आज उनकी 61वीं जयंती है तो ऐसे क्यों ना हर साल हम सेवा दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि जैसी मेरी माँ थी, जैसे उन्होंने मेरे संस्कार दिए, अब मैंने प्रण लिया है कि हर साल, वैसे तो मैं सेवा कार्य करता ही रहता हूँ, लेकिन हर साल उनकी जयंती पर मैं सेवा का कार्य करूँगा। जैसे कि आज दिव्यांग भाई बहनों को और गरीब विधवाओं को और गरीब कन्याओं को साइकिल बांटी गई हैं, जो कि नवोज्वल फाउंडेशन संस्था की तरफ से बांटी गई हैं, और मैं आभार भी प्रकट करता हूँ कि दिव्यांगों के लिए इतना ये लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या क्या प्रोग्राम हुआ जी आज? आज हमने एक तो इस 61वीं जयंती के उपलक्ष्य में भजन संध्या कार्यक्रम रखा है और हमारे दिव्यांग बहन भाइयों के लिए हमने ट्राई साइकिल और साइकिल देने का काम किया है, और गरीब कन्याओं के लिए साइकिल और गरीब विधवाओं के लिए हमने, जो कि जिनसे कि जिसे रोजगार मिले, हमने सिलाई मशीन देने का काम किया है। मुख्य अतिथि तो हमारे मनोज मोहन शास्त्री जी रहे हैं और क्या कहते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से कार्यक्रम हो रहा है, और मैं समझता हूं कि हर साल हम इस 5 अप्रैल को सेवा दिवस के रूप में श्री माँ मीरा अग्रवाल सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। कितने लोग मौजूद रहे थे जी कार्यक्रम में? करीब 200-250 लोग मौजूद रहे थे, आते गए थे, जाते गए थे, और सभी लोगों का बड़ा प्यार और आशीर्वाद मिला है, और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे समाज के लोगों को भी मोटिवेट होना चाहिए कि वो समय समय पर जो वो कर सकते हैं वो करते रहें, जिससे कि लोगों का उत्थान हो, गरीब लोगों के पास सब चीज़ें मौजूद हो सकें और पहुँच सकें।
सभी लोगों ने राधा कृष्ण के साथ जमकर के ठुमके लगाए और सभी ने काफ़ी ज़्यादा नाच गाना किया। सभी के अंदर एक अलग उत्साह देखने को मिला। राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेलते हुए सभी भक्तों ने आनंद लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में योगेश द्विवेदी, अमित अग्रवाल, सर्राफ, SS जौहरी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गोपाल ठाकुर के साथ महक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट।